2025 में दोस्तों, अगर आप लोग एक नया या फिर पुराना आईफोन परचेज करने की सोच रहे हैं तो जस्ट अपने 5 मिनट मुझे दे दीजिए, मैं आप लोग को आईफोन एक्सपर्ट बना दूंगा, ताकि आप लोग फोन को देखते ही उसकी पूरी कुंडली निकाल लें और दुकानदार आपको टोपी नहीं पहना पाएगा। तो दोस्तों, मेनली आप लोग को 5 बातों का ध्यान रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप लोग को ओरिजिनल बिल या बॉक्स को कैसे चेक करना है। सेकंड, उसकी फिजिकल कंडीशन कैसी है फोन की। थर्ड, उसकी साउंड क्वालिटी कैसी है, दोनों स्पीकर वर्क कर रहे हैं या नहीं। फोर्थ, उसका डिस्प्ले ओरिजिनल है या फेक है ये जरूर पता करें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक सीक्रेट वेबसाइट बताऊंगा जिसमें आपको सीरियल नंबर डालते ही पूरा का पूरा इतिहास पता चल जाएगा उस फोन के बारे में, कि वो फोन कहाँ कहाँ है, कैसा है, लोन तो नहीं है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप फ्यूचर में थोड़ा सा भी मिस ना करें। सो नॉट टेकिंग टू मच टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं आईफोन के बॉक्स के बारे में। बॉक्स ही इसका इतना ज्यादा प्रीमियम होता है कि आफ्टर मार्केट जब इसको सेल करने जाते हो, ये 3-4 हजार का तो बॉक्स ही होता है। इसके ऊपर ये जो लोगो लगा हुआ है, ये ऊपर की तरफ उठा होता है, इंग्रेव्ड होता है। जब आप इसके बैक साइड पे जाओगे तो जो जितने भी प्रिंटिंग्स होती हैं उसमें कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं दिखेगी, पहली बात तो आपको। और दूसरी बात, ये प्रिंटेड होते हैं, जैसे आप इसको टच करोगे तो ये ऊपर की तरफ उठे होते हैं। लेकिन अगर आप डुप्लीकेट बॉक्स लेने जाओगे तो उसके ऊपर किसी भी प्रकार के प्रिंटिंग नहीं मिलेगी। सेकंड, आपको बिल और बॉक्स दोनों के सीरियल नंबर को मैच करना है, और फोन के अंदर भी अबाउट सेक्शन में जाके फोन के सीरियल नंबर को बॉक्स के सीरियल नंबर से चेक करना है, और EMEI नंबर को भी मैच करना है। वो सारी की सारी चीजें अगर मैच होती हैं, इसका मतलब आपका बॉक्स 100% ओरिजिनल है। इसलिए दोस्तों, कभी भी सील पैक डिब्बों के ऊपर नहीं जाना चाहिए। मार्केट में बहुत सारे नेक्स्ट टू OG बॉक्स मिलते हैं जो कि सील पैक्ड होते हैं। सील कितने की आती है, 15-20 रुपए की सील आती है, उसको चिपका दिया आपने, ओपन बॉक्स किया, लगा कि आपने नया फोन ओपन किया, लेकिन एक्चुअली में क्या हो, वो डुप्लीकेट रिफर्बिश्ड फोन होते हैं। सो प्लीज जस्ट बी अवेयर ऑफ दैट, बॉक्स ओरिजिनल होना चाहिए। सेकंड बात करते हैं उसके फिजिकल कंडीशंस के बारे में। आप बटर पेपर से फोन को निकालते हो और वाओ, प्यारा सा चमकता फोन आपके सामने आता है। लेकिन आप लोग को ध्यान से चेक करना है, किसी भी प्रकार के उसके ब्रेसल्स पे डेंट तो नहीं है, स्क्रैचेस तो नहीं है, उसके बैक पैनल की पेस्टिंग तो नहीं हुई है अलग से, कैमरे लेंस जो है वो डुप्लीकेट तो नहीं है। आपको सिंपली बैक पैनल के कॉर्नर्स के एजेस को देखना है ध्यान से, क्या वो उठे तो नहीं है, किसी भी प्रकार की पेस्टिंग तो नहीं है। वो ऑटोमेटिकली पता चल जाता है, ओरिजिनल में किसी भी प्रकार की पेस्टिंग आप लोग को नहीं दिखेगी, एजेस नेक्स्ट टू नेक्स्ट मैच करेंगे। सेम आपको डिस्प्ले को भी पलट के देखना है कि किसी भी प्रकार की पेस्टिंग्स तो नहीं है, डस्टी तो नहीं है फोन। लेंसेज में भी आपको सिंपली पता चल जाएगा अगर चेंज होंगे तो। सो जस्ट उनकी फिजिकल कंडीशन को ध्यान से देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली सारी चीजें पता चल जाएंगी। थर्ड बात करते हैं डिस्प्ले की। डिस्प्ले को चेक करना मैं सबसे ज्यादा आसान मानता हूँ, क्योंकि सिंपली आप लोग को अपने फोन को ओपन करना है, उसके कलर्स बहुत ही ज्यादा फेड होंगे अगर वो आफ्टर मार्केट लगाए गए होंगे। सेकंड, अगर ओरिजिनल डिस्प्ले लगाई है तो उसका बिल जरूर उससे सामने वाले से मांग लीजिए कि इसका ओरिजिनल बिल कहाँ है, अगर डिस्प्ले चेंज है तो। थर्ड, आप लोग को सिंपली डिस्प्ले को ओपन करना है और स्क्रोल डाउन करना है, ब्राइटनेस वाले सेक्शन में जाना है, वहां पे टच करके देखना है ट्रू टोन वर्क कर रहा है कि नहीं। अगर ट्रू टोन वर्क कर रहा है तो वेल एंड गुड है, बिकॉज ये ओरिजिनल में ही वर्क करता है, डुप्लीकेट में अच्छे तरीके से वर्क नहीं करता है। और बाईपास अगर कोई करता भी है तो डिस्प्ले वहीं पे पॉज हो जाती है, किसी भी तरह का ब्लू येलो ये टोन जो चेंज होता है ये इसमें नहीं होगा। सो डिस्प्ले को चेक करना बहुत ही ज्यादा आसान होता है, सिंपली आप ट्रू टोन से भी उसको चेक कर सकते हैं। फोर्थ बात करते हैं हम लोग साउंड क्वालिटी के बारे में। साउंड को चेक करना भी काफी ज्यादा आसान होता है, जो अपर स्पीकर होता है उसको चेक करने का एक अलग तरीका होता है, लोअर स्पीकर को चेक करने का अलग तरीका होता है। सिंपली जब भी आप फोन लें उसको वाईफाई से कनेक्ट कराइए और व्हाट्सएप को लॉगिन कर लीजिए। व्हाट्सएप को लॉगिन करने के बाद आप कोई वॉइस नोट डालिए, लाइक हाय आई एम किशन फ्रॉम टेक यूट्यूब चैनल, और जैसे ही आप उस वॉइस नोट को ओपन करेंगे तो जो उसमें से आवाज आती है वो अपर वाले स्पीकर से आती है, और YouTube या फिर किसी भी प्रकार की आप म्यूजिक सुनते हैं तो वो हमेशा लोअर वाले स्पीकर से साउंड आती है। सो इस तरीके से आप अपर और लोअर दोनों स्पीकर्स को चेक कर सकते हैं कि वो वर्किंग कंडीशन में है या नहीं। दोनों स्पीकर को आप लोग को ध्यान से देखना है, उसकी जो जाली है, मैश है, उसके अंदर किसी भी प्रकार का डस्ट तो नहीं है। अगर डस्ट है तो प्लीज उसको वहीं से क्लीन करवा लीजिए।
लास्ट बट नॉट द लीस्ट सीक्रेट वेबसाइट, जिससे आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन चुटकियों में मिल जाएगी। अगर ऊपर में से जितने भी स्टेप मैंने बताए अगर कोई स्टेप मिस हो जाता है सो डोंट वरी, ये लास्ट स्टेप आपको सारी चीजों से बचा लेगा। सिंपली आपको sickw.com आईफोन की वेबसाइट पे चले जाना है, वहां से अपने फोन की सेटिंग में आना है, जनरल में जाके अबाउट में जाना है और वहां से सीरियल नंबर को कॉपी करके पेस्ट कर देना है वेबसाइट पे। जैसे पेस्ट करके सर्च करेंगे सारा का सारा फोन का इतिहास वहां पे आ जाएगा आपके सामने, जैसे उस फोन की परचेज डेट क्या थी, वो फोन कौन सी कंट्री का है, उस फोन के ऊपर किसी प्रकार का लोन है या नहीं, वो फोन डेमो यूनिट है, रिफर्बिश्ड है या फिर रिप्लेसमेंट का फोन तो नहीं, किसी भी प्रकार का ब्लैकलिस्टेड या चोरी का फोन है, ये सारी की सारी डिटेल्स आपको वहां पे मिल जाएंगी। इवन आप सीरियल नंबर के स्टार्टिंग अल्फाबेट से पता लगा सकते हैं फोन रिप्लेसमेंट का है, रिफर्बिश्ड है, ब्रांड न्यू है या फिर पर्सनलाइज्ड फोन है, या फिर उसके लास्ट के अल्फाबेट के कोड से पता लगा सकते हैं कि वो फोन कौन सी कंट्री का होने वाला है। सो आई होप गाइज आप लोग को पूरी की पूरी वीडियो समझ में आई होगी। अगर किसी भी प्रकार की क्वेरी है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें या फिर डिस्क्रिप्शन में मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, वहां पे जाके आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, मैं सारे लोगों का रिप्लाई करता हूँ। सो आई होप गाइज वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।